शांतिरूपेण संस्थिता। मुस्कुरा कर दर्द भुला कर रिश्तों में बंद थी दुनिया सारी, हर पग को रोशन करने वाली वो शक्ति है एक नारी। नारी तेरे रूप अनेक है, सभी युगों और कालों में तेरी शक्ति का उल्लेख है। ना पुरुषों के जैसी है तू, ना पुरुषों से कम है तू। स्नेह प्रेम करुणा का सागर है तू, शक्ति और ममता का गागर है तू। घर के सारे रिश्तों को लेकर साथ चलती है तू, भाई के कलाई को कभी सूना नहीं रखती है तू। सात जन्म साथ रहने का रिश्ता निभाती है तू। आज 8 मार्च है, यानी कि महिला दिवस। महिला दिवस का प्रमुख ध्येय महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिलवाना था। अनेक देशों में महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। 1917 में रूस के महिलाओं ने रोटी और कपड़े के लिए हड़ताल पर जाने का फैसला किया। यह हड़ताल ऐतिहासिक थी। जूलियन कैलेंडर के मुताबिक 1917 की फरवरी का आखिरी रविवार 23 फरवरी को था, जबकि ग्रेगेरियन कैलेंडर के अनुसार उस दिन 8 मार्च था। इस समय पूरी दुनिया में ग्रेगेरियन कैलेंडर चलता था, इसीलिए 8 मार्च महिला दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। आज स्त्रियां पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही है। हर क्षेत्र में महिलाएं अव्वल स्थान पर है, चाहे वो पढ़ाई हो, घर के काम हो, राजनीति हो, या देश के लिए सैन्य में भर्ती हो, या फिर खेल जगत। महिलाओं ने हर जगह अपना अलग स्थान निर्माण किया है। महिलाएं आज हमारे देश का परचम सारी दुनिया पर लहरा रही है। एक औरत ना सिर्फ इमोशनली बल्कि फिजिकली भी बहुत शक्तिशाली होती है। बच्चे को जन्म देने का काम, परिवार में खुशियों भरी रौनक लाने का काम बड़ी ही सरलता से मुस्कुरा कर पूरा करती है। लेकिन मुस्कान के पीछे छुपा दर्द कोई नहीं देखता। शरीर की हड्डियां टूटने पर जितना एक इंसान को दर्द होता है, उससे कई ज़्यादा दर्द एक माँ को बच्चे को जन्म देते वक्त होता है। एक औरत हर दर्द सहकर उफ तक नहीं करती, पूरे घर को अपने प्यार और ममता की डोर से बांधे रखती है। प्राचीन भारत में स्त्री प्रधान संस्कृति थी, तब आदिशक्ति आदि माया जैसी महिलाओं ने इस देश को चलाया है। अधिकतर कलाओं की जननी महिला थी। उस समय नारी को देवी की तरह पूजा जाता था। भारतीय साहित्य में महिलाओं का बड़ा योगदान था, पर धीरे धीरे जब संस्कृति पुरुष प्रधान होने लगी, महिलाओं पर पाबंदियां बनने लगी और महिलाओं ने भी इन पाबंदियों को स्वीकार लिया, लेकिन उन्हें इतिहास रचाने से कोई नहीं रोक पाया। रजिया सुल्तान भारत की पहली महिला शासक थी। झांसी की रानी, महारानी दुर्गावती, अहिल्याबाई होलकर, चांद बीबी, सावित्रीबाई फुले और ऐसी कई महान वीरांगनाएं आज भी हमें प्रेरणा देती है। मध्ययुगीन काल में महिलाओं पर सबसे ज्यादा पाबंदियां लगाई गई थी, चाहे वो पारिवारिक हो या सामाजिक। कम उम्र में बच्चियों की शादी उनसे 2 गुना बड़े आदमी से करा दी जाती थी और सारा जीवन पतिव्रता बन के गुजारना पड़ता था। औरतों पर उस समय भी काफी अन्याय होते थे। उनमें से एक थी सती प्रथा। जब किसी औरत के पति का निधन हो जाता था, तब पत्नी को उसी की जलती हुई चिता में अपने आप को समर्पित करना पड़ता था और अपना जीवन त्यागना पड़ता था। कहीं पर उसके बाल मुंडवाते थे ताकि उसको गैर पुरुष ना देख सके। ये ऐसी कई प्रथाएं थी जो औरतों के लिए दयनीय थी। हालांकि अब सती प्रथा नहीं है, पर आज भी देश में देवदासी जैसी कई प्रथाएं चल रही है। लड़कियों को हमेशा दूसरा स्थान दिया जाता है। स्त्रियों को हमेशा से ही सिर्फ उपभोग की वस्तु समझा जाता है। उसे हमेशा से ही बताया जाता है कि उसे हर समय किसी न किसी पुरुष की आवश्यकता होती है। पुरुषी मानसिकता वाले देश में पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की आबादी हमेशा से ही कम रही है। साल दर साल स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। 2020 में भारत में 1000 पुरुषों के मुकाबले 956 महिलाएं थी। देश चाहे कितना भी आगे क्यों ना बढ़ रहा हो, स्थिति जस की तस है। आज भी देश में कन्या भ्रूण हत्या पर लगाम नहीं लग पा रहा है। आज भी देश में अनेक जगहों में लोग इसी आशा में बेटी को जन्म देने से पहले मार देते हैं कि पुत्र ही उनके वंश का उद्धारक है और लड़कियां सर पर बोझ। चलिए हम पलटकर उस तारीख की ओर चलते हैं जहां एक बेहद काली रात ने पूरे देश को झंझोड़ कर रख दिया था। 16 दिसंबर 2012, इस तारीख ने सबके मन मस्तिष्क को हिला कर रख दिया था। हर कोई एक ही गुहार लगा रहा था, लेकिन इस तारीख के बाद भी दरिंदगी का सिलसिला थमा नहीं। चाहे वो 19 साल की लड़की हो या 5 साल की बच्ची, और फिर समाज के सवाल उठे कपड़ों पर। बड़ी ही शर्मिंदगी होती है ये बताने में, दरिंदों ने 2 महीने की नवजात बच्ची को तक नहीं बख्शा। आज भी एक औरत अकेले निकलने में डरती है। रात को आने में देर हो जाए तो घर वालों की जान अटक जाती है। हर 16 मिनटों में एक रेप होता है।
अनगिनत अपहरण, एसिड अटैक्स, मारपीट, जिंदा जलाना और ऐसे बहुत केसेस दर्ज होते हैं। इस बीच ये सवाल उठता है कि क्या एक महिला अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं है। जैसे हमारा जनरेशन काफी आगे बढ़ रहा है, फिर आपको अनसेफ फील होता ही है? हाँ। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप तो समझ सकते हैं ना, जहाँ वहाँ रेप के केसेस बढ़ ही रहे, कम होने का तो वैसे भी नाम नहीं है, तो फिर कैसे सेफ होंगी लड़कियाँ? लड़कियाँ हो या फिर महिला हो, कोई भी छोटी बच्ची भी आज सेफ नहीं है। मैं बताइए कि आज भी क्या महिलाएं सुरक्षित है बाहर प्रवास करने में? बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। आपको ऐसा क्यों लगता है? रोज पेपर में आता ना, कहीं कुछ हो गया, कहीं कुछ हो गया। महिला कितने आगे बढ़ गई है, लेकिन फिर भी एक डर मन में रहता ही है। जब बाहर निकलते तब डर रहता ही है मन में कि आज भी हम सुरक्षित नहीं है। नहीं, हाँ रहते बस में या फिर ऑटो में रहते, क्योंकि मेरे साथ दो तीन बार हो चुका है, मैं जाना आना करती तो ऐसी रहता है। कुछ लोग रहते ड्रिंक वगैरह करके रहते हैं ऑटो में सवार। स्त्री पुरुष समानता की तो सिर्फ बातें होती है, लेकिन आज भी लड़कियां बेपरवाह बिना डरे आजादी से सड़कों पर घूम नहीं सकती। मैं आशा करती हूं कि औरतों के लिए स्थिति बदल जाए। देश की समस्त महिलाओं को वीचो विस्तास की ओर से महिला दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। सशक्त बनिए और अपनी पहचान बनाने में कोई कसर मत छोड़िए। हैप्पी वुमेन्स डे।